ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा वृद्ध आदमी सड़क के किनारे बैठा है। ही सेज, वह कहता है, वाटर वाटर वाटर। वह कहता है, पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि मित्र हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राय। वे वृद्ध व्यक्ति के कराह को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स, सूरज नज़रअंदाज कर देता है। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। लेकिन रवि वृद्ध आदमी के निकट खड़ा हो जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। वह अपना पानी बोतल निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। वह अपना बोतल प्यासे व्यक्ति को देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। वह आदमी बोतल लेता है और पानी पीता है। ही थैंक्स रवि। वह रवि को धन्यवाद देता है। अब क्वेश्चन पे विचार कीजिए। Why does Ravi stops near the thirsty man? Ravi प्यासे व्यक्ति के पास क्यों खड़ा हुआ? Next question है, Why does the man thank Ravi? वो वृद्ध आदमी ने रवि को क्यों धन्यवाद दिया? तीसरा क्वेश्चन है, Have you ever felt sorry for a person in grief? क्या आप कभी किसी असहाय व्यक्ति, दर्द में कराहते हुए व्यक्ति के प्रति आपको दया आया है? तो ग्रुप में अपने साथियों के साथ इन प्रश्नों का डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, और क्या विचार आता है इस पे जो है सो अपने शब्दों में लिखिए। I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heard. मेरे साथ दोहराइए। I lay in sorrow, I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. मैं दुख में पड़ा, कराह रहा था, मेरे कराह को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। उसका देखना ठंडा था, उसने मुझे स्वर्ण दिया, लेकिन एक शब्द भी दया का नहीं। एक लाइन देखिए, आई ले इन सोरो। आई मतलब मैं, ले मतलब लेटा था, इन सोरो दुख में। I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heard. मैं दर्द में पड़ा, कराह रहा था, अत्यंत दुखी हो कराह रहा था, मेरे कराह को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। His looks were cold, उसका नजर, उसका जो देखना था वो ठंडा था। उसने मुझे स्वर्ण दिया। He gave me gold, उसने मुझे स्वर्ण दिया। But not a kindly word, लेकिन दया के शब्द नहीं। My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. मेरा दुख बीत गया, मैं वापस कर दिया। The gold he gave to me, जो सोना उसने दिया था। Then stood erect and smacked my thanks and blessed his charity. तब सीधा तनकर खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया उसके दानशीलता के लिए। नेक्स्ट स्टिंदा है, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पैन, ए पुअर मैन पास्ट माय वे। ही बॉन्ड माय हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। आई ले इन वांट, मैं सहायता के लिए लेटा था, जरूरतमंद था, इन ग्रीफ एंड पेन, बहुत दर्द से
दयनीय दशा में, ए पुअर मैन पास्ट माय वे, एक गरीब आदमी उस रास्ते से गुजरा, ही बॉन्ड माय हेड, उसने मेरे सिर को बांधा, ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। अब उसे मैं कैसे वापस करूं, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे कैसे वापस करूं, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ उसने मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट, अरे सोना बड़ी चीज है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन सहानुभूति, एक सुखद सहानुभूति जो है उससे भी बड़ा है। तो इसमें चार्ल्स मैके, इसके जो है कंपोजर हैं चार्ल्स मैके, पोएट हैं, ये सहानुभूति के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, हमें एक दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति रखना चाहिए, किसी को भी जरूरत में मदद करना चाहिए। एक बार फिर हमारे साथ जो है सो दोहराइए, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, माय ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, माय ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past I paid him back, the gold he gave to me. Then I stood erect and spake my thanks and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain, a poor man passed my way, he bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy.